हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम आपको 3 BHK का फ्लैट दिखाने आए हैं जो कि सरिस्ताबाद में है। आपका 1435 स्क्वायर फीट में बना हुआ फ्लैट है जिसका कि 2 एंट्रेंस गेट है, एक मास्टर बेडरूम के साथ है और एक मेन एंट्रेंस गेट है। सेपरेट आप 2 BHK का फ्लैट उसको कर सकते हैं और एक 1 BHK का अलग फ्लैट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फ्लैट है। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। मैंने अभी आपको एक सीढ़ी का एरिया दिखाया, जस्ट अभी सीढ़ी का एरिया, और ये लिफ्ट का एरिया है। देखिए लिफ्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, लिफ्ट का एरिया है और ये कॉरिडोर का एरिया हो गया आपका। ये देखिए, ये आपका कॉरिडोर का एरिया हो गया और ये सीढ़ी, सामने सीढ़ी से आप आ गए और ये फ्लैट का एरिया है। ये आपका फ्लैट है। इस लोकेशन में कुछ स्पेस है आपका जहाँ पे कि आप अपना सुअर स्टैंड वगैरह बाहर में रख सकते हैं। ये देखिए, इस लोकेशन में आप सुअर स्टैंड वगैरह रख सकते हैं, सुअर रखने के लिए स्टैंड वगैरह का जगह है। और ये हम फ्लैट में एंट्री करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये ड्राइंग हॉल का एरिया है। फिनिशिंग का वर्क चल रहा है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिनिशिंग का वर्क हो रहा है। ये देखिए, ये मेन गेट हो गया और यहाँ पे कुछ स्पेस गेट के बगल में दिया हुआ है जो कि बॉर्डर वगैरह का आप काम करवा सकते हैं, तो स्टैंड बनवा सकते हैं। और ये आपका डाइनिंग हॉल का स्पेस है। ये देखिए, ये ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। ड्राइंग हॉल की अगर एरिया की बात करेंगे तो 14x10 का ये ड्राइंग हॉल है। इवनिंग का टाइम है और आप देख रहे हैं बहुत ही लाइटेड और हवादार कॉर्नर फ्लैट है। वीडियो को लास्ट तक बने रहे, बहुत ही बेहतरीन फ्लैट है। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि मास्टर बेडरूम, बिल्कुल सेपरेट मास्टर बेडरूम है जो कि आप गेस्ट रूम की तरह यूज कर सकते हैं। इसको 2 फ्लैट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, आपका डाइनिंग हॉल का स्पेस है। यहाँ पे बालकोनी और डाइनिंग हॉल दोनों को कंबाइन कर दिया गया है तो 16x8 का आपका डाइनिंग हॉल का एरिया हो गया। देख रहे हैं सामने बहुत बड़ा सा अपना विंडो है, 16 फीट लंबा ये आपका डाइनिंग हॉल है। तो बहुत ही अच्छा डाइनिंग हॉल है आपका। और ये है आपका कॉमन टॉयलेट। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा नया नया वीडियो मिलता रहे। वायरिंग का भी काम ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं किचन की ओर। ये देखिए, ये आपका किचन का एरिया हो गया। किचन के एरिया की भी बात की जाए तो बहुत ही स्पेसियस है। ये देखिए, सामने में विंडो है। और ये आपका एक बेडरूम हो गया। सामने में विंडो है। बारह बाई ग्यारह का आपका ये बेडरूम का साइज है। देख रहे हैं बिल्कुल ही स्पेसियस, बहुत बेहतरीन बेडरूम है। और ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया।
10x12 का आपका ये बेडरूम हो गया, देख सकते हैं। सामने में आपका विंडो हो गया और इसके साथ अटैच एक बालकोनी है, ये देखिए ये बालकोनी का एरिया हो गया। बारह फीट लंबा आपका बालकोनी का एरिया हो गया, देख रहे हैं बालकोनी भी स्पेसियस है। और अब हम आपको मास्टर बेडरूम दिखाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सेपरेट है। ये देखिए ये हम लोग डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल के साथ ड्राइंग हॉल से घुसते हैं और ये इधर डाइनिंग हॉल के साथ ये मास्टर बेडरूम हो गया, जो कि आप इसको गेस्ट रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रूम दिखाता हूँ, फिर आप इसको सारा चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। इस रूम के साथ एक बालकोनी अटैच है प्लस एक बाथरूम अटैच है। ये देखिए इस रूम के साथ भी एक आपको बाथरूम अटैच है, बिल्कुल सेपरेट है मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम के साथ दो दरवाजा है, एक दरवाजा है जो आपका ड्राइंग हॉल की तरफ खुलती है, ये देखिए आपका ड्राइंग हॉल की तरफ खुलती है, डाइनिंग हॉल की तरफ खुलती है, और दूसरा दरवाजा है जो आपका सीढ़ी की तरफ खुलती है, यानी फ्लैट में दो दरवाजा है। ये देखिए जस्ट अभी हम लोग सीढ़ी के पास आ गए, ये आपका सीढ़ी हो गया और दूसरा दरवाजा आपका जो मेन एंट्रेंस गेट है आपका ये हो गया मेन एंट्रेंस गेट। अगर हम इस फ्लैट की बात करते हैं इस दरवाज़ा की, तो ये दरवाज़ा अगर लॉक कर दिया जाए तो अंदर में 2 BHK का सेपरेट फ्लैट हो जाएगा और ये एक आपका अलग हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन मास्टर बेडरूम है, रेयर ही ऐसा मिलता है जो कि आपका इसको पर्सनली गेस्ट रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं या किसी भी तरह का 2 BHK दो ढंग का फ्लैट हो जाएगा। 2 BHK का अंदर फ्लैट हो गया और एक 1 रूम का एक अलग फ्लैट हो गया, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से है। जहाँ तक लोकेशन की बात कीजिएगा तो ये 70 फीट बाईपास में पड़ता है फ्लैट, जो कि आपका बाईपास से मात्र 800 मीटर का डिस्टेंस पे है। राधा कृष्ण मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर से 50 मीटर का डिस्टेंस पे है। अगर पटना डोबी 4 लेन जो नया भी बन रही है इसकी बात करेंगे तो यहाँ से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे, और नत्थुपुर गोलम्बर यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, पटना जंक्शन यहाँ से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, एयरपोर्ट की बात करें तो 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये फ्लैट है जो कि आपका रेडी टू मूव है और ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीनों में ये पूरा फ्लैट बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर कॉल कीजिए, एक बार साइट विजिट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।